यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच से वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। दरअसल भोपाल से सटे सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील में समाज का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत तमाम नेता मौजूद थे और वहीं कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने वंदे मातरम के नारे लगवाए। जब संबोधन की बारी आई तो भोपाल के विधायक आरिफ मसूद की, तो आरिफ मसूद ने कहा कि शरीयत हमें वंदे मातरम कहने की इजाजत नहीं देता। इस मामले में कांग्रेस ने दूरी बना ली है, लेकिन बीजेपी ये मौका चूकने वाली नहीं थी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरिफ मसूद पर तीखा प्रहार किया। आरिफ मसूद पर तीखा प्रहार किया गया है, जिन्होंने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। कहा कि शरीयत उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी देखने को मिला। ऑल इंडिया महासभा का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने सीधे शब्दों में वंदे मातरम कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में रोष भी देखा गया। हालांकि उन्होंने कहा कि शरीयत उन्हें वंदे मातरम कहने की इजाजत नहीं देता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने वंदे मातरम कहने से साफ इनकार कर दिया, हालांकि उनका यह भी कहना था कि शरीयत उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता है, किस तरह का माहौल बना हुआ है? जी, हम आपको बता दें कि सीहोर में एक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था जी, उसमें भोपाल मध्य क्षेत्र के जो विधायक है आरिफ मसूद जी, वो जैसे ही मंच पर संबोधन करने पहुंचे तो सारे लोग वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे जी। तो आरिफ मसूद कहने लगे कि आप लोग भले ही वंदे मातरम के नारे लगाओ, क्योंकि शरीयत हमें इजाजत नहीं देता कि हम वंदे मातरम बोले। बिल्कुल जी। आरिफ मसूद के इस बयान से बीजेपी नेताओं ने काफी प्रहार किया। बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तत्काल इनसे आरिफ मसूद से इस्तीफा ले। वहीं एक कांग्रेस के विधायक और है आरिफ अकील, उनका तो ये तक कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लाई हो और पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का हमला ना हो। इस तरह की बातें कांग्रेस के विधायकों द्वारा की जा रही हैं जी। देखा जाए तो बीजेपी विधायकों में काफी रोष मचा हुआ है। अशोक जी, बिल्कुल, आरिफ मसूद के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश है। उन्होंने कमलनाथ से मांग की है कि आरिफ मसूद को तत्काल पार्टी से निलंबित करें और उन पर तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है। वंदे मातरम एक राष्ट्रगान है जो हम सब गाते हैं, और वो इस तरह से कैसे कह सकती है कि वंदे मातरम हम गा नहीं सकते, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। ये बिल्कुल ये देशद्रोह के दायरे में आता है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भोपाल में वंदे मातरम पर बवाल मच चुका है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा सकता है। आपको बता दें कि वंदे मातरम शरीयत में नहीं कहने की बात कही गई है, और इसी के चलते बीजेपी कार्यकर्ता रोष जता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आक्रोश का माहौल भोपाल में इन दिनों मचा हुआ है, वंदे मातरम पर यह बवाल हुआ है। दरअसल आरिफ के द्वारा वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद ये माहौल बना हुआ है। बहुत सारे उलेमा इकराम के चेहरे मुझे दिख रहे हैं, भले ही मेरे विधायक ने नारे लगाए, लेकिन हमारी बुनियादी लड़ाई शरीयत, और शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। अब तब हम सब लोग अपनी जान की बाजी आज भी देश में लगा रहे हैं, कल भी लगाएंगे और हमारी नस्लें भी लगाएंगे, लेकिन बुनियादी लड़ाई है कि हम वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करेंगे। और उलेमा इकराम की बारीकी को जानते हैं, उनके बीच में लगवाए गए, मुझे थोड़ा बुरा हुआ एहसास, क्योंकि वंदे मातरम के नारे से अगर देश को बता रहा है कि हम वफादार हैं तो मैं समझता हूँ बेईमानी। मुझे लगता है कुछ लोगों को अकल का अजीरण है और राजनीति में प्रचार पाने के लिए इस तरह की बदतमीजियां करते हैं। देश के नागरिक भली भांति जानते हैं वंदे मातरम का महत्व क्या है, ये भी लोग जानते हैं। वो राजनीतिक दल समझे जिसे वंदे मातरम से एतराज है, वो दल के नेता समझें जिसको उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है और वो विधायक बने,
उन्हें वंदे मातरम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है। हालांकि खुद तो कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा और कौम को मना कर रहे हैं। आखिर कह तो रहे ना, जवान बोल तो रही ना वंदे मातरम, चीख चीख कर मना भी कर रहे हैं तो भी कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि वंदे मातरम बोलो। पार्टी सदैव वंदे मातरम का सम्मान करती है, पार्टी अपने हर आयोजन में वंदे मातरम का गान करती है। जो भी आरिफ मसूद ने टिप्पणी करी वो कहीं ना कहीं धार्मिक और शरीयत के आधार पर करी, पार्टी के आधार पर नहीं करी। पार्टी उनके बयान का न समर्थन करती न इत्तेफाक रखती, पार्टी वंदे मातरम का सम्मान करती थी, करती है, करती रहेगी। पार्टी हर आयोजन में वंदे मातरम का गान करते हैं।